मॉर्निंग स्टूडेंट, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आर्टिकल तक तो 9 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका इंग्लिश ग्रामर का 10 लेसन करेंगे। इस लेसन का नेम क्या है? वर्ब। तो ये बहुत ही इजी लेसन है, ठीक है बेटे? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या है वर्ब, होता क्या है वर्ब, क्या होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है बेटे? काम, जो हम पूरे दिन में जो काम करते हैं वो क्या होती हैं? वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। जैसे कि खेलना, कूदना, चलना, बैठना, उठना, ये सारी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ें। जैसे क्या है इसमें बच्चे, स्कूल जाना है, जो हम गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ही प्लेज विद फुटबॉल, वो फुटबॉल के साथ खेलता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है और फुटबॉल के साथ खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज पियानो, और वो पियानो भी बजाता है। ही डांसेस, वो डांस भी करता है, वेरी वेल, बहुत अच्छा। ही कम्प्लीट्स हिज वर्क डेली, और अपना जो वर्क है हर रोज़ पूरा करता है। जोहन वियर्स ए कैप, जोहन ने कैप पहनी हुई है, यहाँ कैप पहनी हुई है ना। द वर्ड्स, अब देखो इनमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, द वर्ड्स गोज, प्लेज, डांसेस, कम्प्लीट्स एंड वियर्स आर एक्शन वर्ड्स। ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो काम को डिनोट करते हैं कि क्या काम हो रहा है। दे आर मेड अप ओनली वन वर्ड, ये दोनों किससे बने हुए हैं? सिर्फ एक वर्ड से बने हुए हैं। ओनली समटाइम्स अ वर्ब मे बी मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। कई बार क्या होता है, जो वर्ब होते एक वर्ड से या एक से भी ज़्यादा वर्ड से, दो वर्ड से या दो से भी ज़्यादा वर्ड से बनती है। देखो क्या है, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? डूइंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो डूइंग क्या होते हैं, कुछ करते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे टेल अस व्हाट ए पर्सन, वो हमें बताते हैं कि पर्सन क्या है, एन एनिमल, जानवर क्या है, और ए थिंग डज, और कोई चीज़ क्या है और वो क्या करती है। बींग वर्ब्स, अब देखो बींग वर्ब्स कौन सी होती है? दीज वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, जो बींग वर्ब्स होती है वो क्या करती है? दीज वर्ब्स टेल अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज, वो हमें बताते हैं कि एक पर्सन, दीज वर्ब्स टेल अस, हमें बताते हैं व्हाट ए पर्सन, पर्सन क्या है, एनिमल, जानवर है, प्लेस और थिंग इज, वो क्या चीज़ है, एट प्रेजेंट इज क्या है। इट शोज देयर स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस और बींग, वो हमें बताती है कि वो चीज़ क्या है, एक्सिस्टेंस, अभी एक्सिस्टेंस कर रही है या नहीं कर रही, बींग चल रही है। सम बींग वर्ब्स आर, कुछ वर्ब्स कैसे हैं इसमें, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट के लिए और वॉज, वर है जो पास्ट के लिए। बेटे बींग वर्ब्स क्या होती हैं? जो वर्ब को, चल रहे वर्ब को डिनोट करती हैं। ये देखो, रिहान इज हैप्पी, जो रिहान है वो रिहान इज हैप्पी, रिहान खुश है, अभी एट प्रेजेंट खुश है ना। दैट वाज माय कार, वह कार मेरी थी, कभी मेरी थी, ठीक है बेटे। किसी एक्सिस्टेंसी के लिए जो वर्किंग रेगुलर हो रही होती है, उस चीज़ के लिए जो है बींग वर्ब यूज़ होती है। द ट्रीज इन द गार्डन आर टॉल, जो ट्रीज़ हैं वो गार्डन के अंदर वो क्या हैं, लंबे हैं। गार्डन आर टॉल, वो लंबे हैं, ठीक है बेटे। देखो क्या है, यूज़ इज़ एम आर टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए आपने इज़ एम आर यूज़ करना है। तो देखो इसका एक सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला देखो, एम हमेशा किसके साथ था, एम किसके साथ था, यू के साथ था। एम को सॉरी एम को हमेशा आई के साथ यूज़ करना है, जो एम है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। और इज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट, नेम, ही के साथ, ही के साथ, या फिर इट के साथ, या फिर किसी भी नेम के साथ। और आर प्लूरल पर्सन के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है? आर, ठीक है बेटे। तो आई एम ए स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? स्टूडेंट, सॉरी आई के साथ एम लगेगा। शी इज़ अ पायलट, शी के साथ इज, इट इज़ हैवी, इट के साथ भी इज आएगा बेटे। वी आर हैप्पी, वी क्या है? प्लूरल्स है, यहाँ पे क्या आएगा? वी आर हैप्पी। ही इज़ ए मैसॉन, ही सिंगल पर्सन है, इसके साथ इज आएगा। इट इज़ वाइट, यह है सफ़ेद है, इट के साथ हमेशा इज आएगा। दे आर प्रिटी, वो सुंदर हैं, दे के साथ हमेशा आ रहेगा। दे आर टायर्ड, वो थके हुए, दे के साथ हमेशा आ रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन के वर्ब्स कौन से हैं? दीज वर्ब्स से दैट व्हाट ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग हैज़।
देखो बेटे, बीइंग वर्ब क्या था, वो एट प्रेजेंट वो चीज़ है क्या एग्जैक्टली। बीइंग में मतलब कोई वर्किंग चल रही है, या फिर मतलब एट प्रेजेंट वो चीज़ की क्या कंडीशन। अब देखो वर्ब ऑफ पोजेशन, पोजेशन में क्या होता है, जैसे हम किसी भी बिलोंगिंगनेस को डिनोट करते हैं, किसी भी नज़दीकियों को डिनोट करते हैं, ओनरशिप को डिनोट करते हैं। देखो क्या है, दिस वर्ब से व्हाट ए पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग हैज़, ये क्या बताती है, उसमें था कि वो चीज़ है क्या, इसमें ये बताती है कि उस चीज़ के पास क्या है, उसके पास क्या है। सम वर्ब्स ऑफ पोजेशन आर हैज़, हैव, हैड, जो पोजेशन के वर्ब्स हैं वो क्या है, हैज़, हैव और हैड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास कई बुक्स हैं। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। आकाश हैड फीवर यस्टरडे, आकाश को कल क्या था, बुखार था। ठीक है बेटे, इस टाइप से आपने इनको करना है। नेक्स्ट है आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो आई एन जी फॉर्म करते हैं हम वर्ब की। सम वर्ब्स मे बी मेड ऑफ टू और थ्री वर्ड्स, कुछ जो होती हैं वर्ब्स की दो या दो से भी ज़्यादा वर्ड से बनी होती हैं। सम सच वर्ब्स आर, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जैसे इज़ लुकिंग दो वर्ड से बनी ना, एम गोइंग, विल बी ईटिंग, तो ये सारी क्या हैं, आई एन जी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। दे आर आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लाइक राइटिंग, रनिंग, स्लीपिंग एट्सेट्रा। ये क्या है, आई एन जी फॉर्म है वर्ब्स की, जैसे कि है राइटिंग है, रनिंग है, स्लीपिंग है, ये सारा कुछ। ठीक है बेटे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज ओनली विद द हेल्पिंग वर्ब। सम हेल्पिंग वर्ब आर इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एट्सेट्रा। जो आई एन जी फॉर्म होती है ना बेटे, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होती है। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, विल बी है, एट्सेट्रा, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज़ रनिंग, वह चल रहा है, इज़ रनिंग आ गया ना। द शेफ वाज कुकिंग फूड, वाज कुकिंग, तो ये क्या है, इसकी आई एन जी फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, एट प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो एम के साथ राइटिंग आया। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी बुक को फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।